बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैया दोस्तों। आज आपको हम 70 मोटरसाइकिल के गियर ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे कि गाड़ियाँ किस तरह ऊपर नीचे वर्कआउट करती हैं और कौन से गाड़ी कौन से गियर के साथ अटैच होकर कौन सा गियर लगता है, उसकी तफसीली मालूमात आपको हम देंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये इस वक्त हमारे पास 70 मोटरसाइकिल के गियर ट्रांसमिशन मुकम्मल पड़ी हुई है। आपको हम बताएंगे कि गियर किस तरह वर्कआउट करते हैं और गाड़ियों के नाम बताएंगे आपको। ये सबसे पहले ये गियर बक्सा आपस में जुड़ गया है और इसकी न्यूट्रल पोजीशन आपको दिखाएंगे कि न्यूट्रल पोजीशन में किस तरह गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये इस टाइम ये न्यूट्रल पोजीशन में है गियर बॉक्स। ये मैन शाफ्ट है, मैन शाफ्ट के ऊपर तीसरा गियर और पहला गियर शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। काउंटर शाफ्ट के ऊपर दूसरा गियर और चौथा गियर शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। मैन शाफ्ट शाफ्ट के ऊपर दूसरा गियर और चौथा गियर फ्री होता है। काउंटर शाफ्ट के ऊपर पहला गियर और तीसरा गियर फ्री होता है। काउंटर शाफ्ट के ऊपर दूसरे गियर वाली गरारी पहला गियर और तीसरा गियर लगाती है। मैन शाफ्ट के ऊपर तीसरे गियर वाली गरारी चौथा गियर और दूसरा गियर लगाती है। ये कंप्लीट डिटेल थी, आपको हमने बता दी। एक शाफ्ट के ऊपर दो गियर होते हैं और टोटल कंप्लीट चार गियर होते हैं, आपको हम तफसीली वीडियो में बता दिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना। अस्सलाम वालेकुम।